बनती, लेकिन पैसे के बगैर भी फिल्म नहीं बनती। तो जहां पर पैसा लगा हो और जहां पर एक फिल्म बनी हो, उसके लिए जहां भी हमारे लायक जो भी मदद हो पाए, हम आज ही नहीं पिछले 20 साल से भी करने की कोशिश करते आए हैं, और जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा कोई भी फायदा उठा सकता है जिसने फिल्म को जिया हो या फिल्म में पैसा लगाया हो या फिल्म के लिए कुछ भी करना चाहता हो। क्योंकि हम जानते हैं कि मनोरंजन की का पायदान इतना बड़ा है कि एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें फट्टा टाकीज नहीं थी जिस गांव में, और वहां से निकल के आज सातों समंदर को एक छोटा सा गांव बना दिया है इस सिनेमा ने, तो मैं बोलता हूँ एक जननी माँ और एक सिनेमा। अब बीच में हमारे बीच में थिएटर की एक है जिसको बोलते हैं दाई माँ। तो माँ जन्म देने वाली माँ, कर्म देने वाली माँ, और खूब जायफल आयफल लगा के खूब काढ़ पाड़ के, मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओ तो तुम्हारे कंधे कमजोर ना लगे, उसको बोलते हैं कि वो हमारी दाई माँ। थिएटर को हम तीनों लोगों के लिए जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े, मैं मीडिया बंधुओं के सामने कहना चाहता हूँ कि हमारा जहाँ भी उपयोग कर पाओ करो, क्योंकि हम चाहते हैं आप आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं और हम बीच में हैं तो 100% हम आपकी रेस में खड़े हैं, तो फिर हम पीछे कैसे रह सकते। तो इसलिए ये मनोरंजन की फील्ड है, इसमें एक बीच में कोई निकलता है कोई निकलता है, लेकिन मनोरंजन का जो दंगल है, बस मेरे साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिनेमा जितना देखने में अच्छा लगता है, जितना जीने में अच्छा लगता है, इसको बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए बहुत जिगरा तक लगता है, बहुत जिगरा लगता है, बहुत लोगों की हिम्मत लगती, बहुत लोगों को विश्वास लगता है। और एक फिल्म में कोई भी पैसा खर्च हुआ हो, ब्रदर मान के चलिए, उसमें टॉप टू पानी पिलाने वाले से लेके और पानी पिलाने के पैसे देने तक सबका खून पसीना लगता है। एक नहीं होता है, राजपाल की फिल्म हो या किसी फिल्म हो या भाई बंधुओं की फिल्म हो, भैया जी जिस तरीके सबने डायलॉग बोले, हम इन्हीं के पायदान से उठ के आए हैं। आज हमें ये कह सकते हैं मैं इनका सीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं इनका जूनियर भी नहीं हूँ। सीनियर तो वो होते हैं कि जब तक आपके साथ काम ना किया हो तब तक वो सीनियर होता है, जिस दिन वो सामने कैमरा शेयर कर ले फिर वो बराबर होता है। कोई हमारी फील्ड में 84 साल का बंदा हो और 14 साल का बंदा हो, कोई फर्क नहीं होता है। कैमरा कभी भी उम्र नहीं देखता है, कैमरा हमेशा किरदार पढ़ता है। और जिन किरदारों को आप छापते हैं वही जो जितने जो जहाँ भी कैमरा लगे होते हैं, इसलिए हम आपको सच्चे दिल से अपना कजिन मानते हैं। क्योंकि आज हम इधर खड़े हैं, अगर सच में हम इधर नहीं होते, क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो अगर यहाँ पे कलाकार कोई दूसरे खड़े होते तो 100% कैमरे पीछे हम आपके साथ खड़े दूसरा कोई काम आता ही नहीं है। दूसरा काम जो क्रिएटिव लोग होते हैं, सृजनशील लोग होते हैं, जिन्होंने सिनेमा पढ़ा हो, जिन्होंने थिएटर पढ़ा हो, जिन्होंने बोलते हैं कि शब्दों को सोच के जब कागज पे लिखते हुआ और उनको जब आत्मसात करके जब आप एक चरित्र के रूप में उन लाइनों को बोलने लगते हो, तभी तो चलचित्र बनता है। तो हम इस चलचित्र की विचित्रता को प्रणाम करते हैं, इन सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे 2 साल से कोरोना रूपी आपदा में जिस तरीके से, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पिछले 1.5 साल में हमारी भी 4-5 फिल्में आ गई, जिसमें कुली नंबर 1 हो, हंगामा 2 हो, या फिर अपना हेलो चार्ली, या फिर मतलब टाइम टू डांस, या सफारी बाज, अच्छा हाँ सिनेमा जिंदाबाद है। तो मुझे लगता है कि बैठा मैं सोच रहा था कि लोग जब पब्लिक में मिलते हैं तो लोग बोलते भैया आपकी फिल्में आपकी बहुत दिनों से नहीं देखी। हमने कहा नहीं, फिल्मों के पायदान बदल गए, फिल्में तो आज भी मेरी 1 साल से 5 तो हर साल रिलीज हो जाती हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य यह है कि 5 फिल्में देख के आपका दिल नहीं भरता तो मेरा अंदर से हौसला बढ़ता है कि 5 नहीं कम से कम 75 फिल्में लगातार आपको देखने को ना मिले तब तक आपको ये नहीं लगता कि राजपाल काम कर रहे हैं। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। 40-50 साल के बाद में दोस्तों मीडिया वाले सब अपनी एक उम्र के लोग हैं। हम जानते हैं कि हमने जब एक्टिंग के लिए शुरुआत की थी तभी तो इन लोगों ने इस चीज़ में शुरुआत की थी, जहाँ से जितने भी अपने दोस्त खड़े हुए हैं
मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और 40-50 साल के बाद हॉलीवुड में सही जिंदगी जीने, सही किरदार जीने का मौका आता है, तब हम अपने आप को बंधे कमजोर समझ के और रिटायरमेंट की तरफ सोचने लगते हैं। रिटायरमेंट या फिर फिल्म बहुत ज्यादा कर ली, कभी नहीं। मैं वो अभिनेता हूँ, आज शाम को सेंचुरी लग गई, लोगों की तालियां मिल गई, लेकिन सुबह सुबह जब पहली बार बल्ला लेके मंच पे उतरा तो मुझे लगता है कि अगर पहली बॉल खराब हो गई तो आउट कर दिया जाऊंगा। तो मैं हर बॉल को अपना एक रन, यानी हर बॉल को एक शब्द, और शब्द जितने ताजे तरीके से आप रखते हो उतने ही ताजे आप हो जाते हैं। शब्द कभी पुराने नहीं होते। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से, लखनऊ जंक्शन के माध्यम से, यादव जी, सर भाई, पूरी आपकी टीम, विजय भाई, आप लोगों ने जितनी मेहनत की है बहुत अच्छी, हमें बहुत अच्छी शुरुआत लगी, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने जब आपका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा नहीं, आप सबको मेरा फर्ज बनता है कि आप सबके साथ मैं भी आपकी टीम का एक हिस्सा बनूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और एक चीज मैं आपको एक जरूर एक शब्द कहे नहीं रहूंगा कि हमारी बहुत सारी फिल्में हैं, 20-25 फिल्में लगभग भोपाल प्रियत मॉन से लेके, मैं माधुरी दीक्षित से लेके, सबों कॉमेडी की 10-20 में गेस्ट अपीयरेंस किए, 10-20 में पॉजिटिव, 10-20 में। लेकिन एक फिल्म और बहुत अच्छी बनी थी जो आज हम पूरे देश दुनिया में कहीं जाते हैं उसका इतना आशीर्वाद मिलता है, हमें पूरा देश लल्लन भैया करके पुकार है। हेलो, हम लल्लन बोल रहे हैं। दिलीप शुक्ला साहब फिल्म डायरेक्ट की थी। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कहाँ पे, जब लोगों को बहुत अच्छी कॉमेडी लगती है, बहुत अच्छा ये लगता है, बहुत अच्छा वो लगता है, लेकिन हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं ये फिल्म भी लोगों के दिल पे छाप छोड़ती है। तो कलाकार अगर टाइप कास्ट होता है तो कलाकार की गलती है, किसी भी प्रोड्यूसर की गलती नहीं है। एक मोहल्ले 500 चरित्र रहते हैं, अगर हर साल 10 चरित्र करो तो अगले 50 साल में 500 चरित्र नहीं जी पाओगे। इसलिए सभी कलाकारों से हमारा यही अनुरोध है कि जब जब आप पर टाइप कास्ट का ठप्पा लगे तो उसको चैलेंज मान के इस टाइप को तोड़ दो, ताकि अपनी मानसिकता से कोई दूसरे किरदार को जी पाओ। कलाकार कभी एक किरदार नहीं जीता है। कलाकार जैसे 24 घंटे में नेचर 24 बार कलर चेंज करती है, वैसे ही कोई कलाकार जब भी कोई नया किरदार मिलता है, भले वो कॉमिक किरदार हो, भले वो सीरियस किरदार हो, लेकिन वो बीज जो होता है वो कलर चेंज करने का होता है। आप सब खूब अपने अपने हर फिल्म में अपने अपने कलर चेंज करें, और जब आपके कलर चेंज हो गया, आपकी मानसिकता से जो है अच्छे डायलॉग निकले, तो लोगों की तालियां जीवन भर पाए। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, बहुत बहुत बधाई। शर्मा जी, आपको भंडार, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ काम किया है, बहुत सारे लोग काम करेंगे। एक जो कलाकार होता है दोस्तों, मेरे बारे में निकाल दो कि मैं कोई कलाकार, क्योंकि उससे काम बंद हो जाते हैं। सामने वाला सोचता है कि हमसे बड़ा कलाकार, वो सोचता है हमसे बड़ा कलाकार। कोई कलाकार बड़ा नहीं होता, सामने कलाकार होता है, उसके सामने दूसरा कलाकार होता है। और जो जितना अच्छा सपोर्टिव, जिस एंगल से बॉल आपने फेंकी और उसको उसी एंगल से अगर शिफ्टिंग देके उसको टाइमिंग बोलते हैं, तो मैं दुनिया का अच्छा कलाकार कितना भी बनूं, लेकिन मैं दुनिया का सबसे अच्छा को एक्टर बनना चाहता हूं। को एक्टर मेन लीड भी होता है, सपोर्टिंग लीड भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, उसमें बहुत सारे अभिनेता डर जाते हैं, फिर कहते हैं यार राजपाल को इसमें रख लोगे फिर हमें कौन देखेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल राजपाल को भी देखे और भाई को भी देखे, भाई को भी देखे, फिर उसके बाद में निकले। क्योंकि फिल्म में एक ही कलाकार जीतता है, फिल्म फ्लॉप हो जाता है, लेकिन फिल्म में सारे किरदार जीतते हैं, सारे कलर खेलते हैं, सारे कलर जीतते हैं, सारा सब कुछ जीतता है। तो मैं एक किसी भी सिनेमा मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं पात्र होने का मुझे सौभाग्य मिला, और मैं सिर्फ अपनी पात्रता का निर्वाह करना चाहता हूँ ईमानदारी से। बाकी मेरे बड़े होने की कोई भी, मेरे छोटे होने की कोई भी मुझे नहीं।
मालूम है क्या चलता हो, लेकिन सिनेमा जिंदाबाद, सिनेमा को जीता हो और जी जी। थैंक यू सो मच। देखो सब लोग इधर देखो, फिर इधर देखो, फिर मेरे यहाँ पे इधर देखो, फिर यहाँ पे यार तू भी कर सकता है, फिर इधर देखो, फिर इधर देखो। रुको भाई, स्टील मारो वसीम भाई, छोटा करो अभी। नंदन जी इधर देखो, फोटो प्रेस में जा रहा है। अच्छा भाई, छोटा करो, हो गया हमारा, हो गया सर, छोटा छोटा वाला वसीम भाई, छोटा करो, छोटा करो। पप्पू जी आइए, फोटो ले भाई, आपका फ्लैश जैसा मांगना भाई, हमारे कैमरे में दो क्लिक करके नीचे कर। हाँ हाँ चलेगा 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 चलेगा। चांद भाई आप भी हैं, नसू गया ना, चलो 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 पास आए ताई भाई समझ लो, अरे यार देखो चलो गया प्लीज बात कर देंगे। अरे वाह, मारा फोटो बस यहाँ पे चलो। अच्छा ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ सर एक इंटरव्यू कर, एप्पल सर, एप्पल सर इंटरव्यू दो दो सब सर, वहाँ लगाओ ना टेबल वाले, वसीम भाई टेबल वन। साथियों, ये फिल्म जो है जिसका नाम है लखनऊ जंक्शन, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है। रज्जन यादव जी ने इसको प्रोड्यूस किया है, इसरार भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसरार भाई के एसोसिएशन में, और ये पूरी टीम विजयपाल जी ने इसको डायरेक्ट किया है। पूरे कलाकारों ने, एक से एक लगभग 18-20 कलाकारों ने इसमें काम किया है। मैं अपनी तरफ से सबको शुभकामनाएँ देता हूँ, और खूब सबका काम अच्छा लगे, फिल्म सबको अच्छी लगे, सबका आशीर्वाद मिले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब ट्रेलर देख के ही मैं आया, मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके की पृष्ठभूमि दिखाई जा रही है तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और अप्रिशिएट करोगे। मैंने जितना भी देखा है, मुझे मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कलर कॉम्बिनेशन, ग्रैंजर के हिसाब से एक सिनेमा की जितनी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब चीज़ें इसमें हमें दिखाई दी, इसलिए हम इसको प्रमोट करने आ गए। लखनऊ जंक्शन ही समझ में आता है, नहीं बिलीव करो, पहली बार जब लखनऊ उतरा था तो चारबाग स्टेशन पे ही उतरा था, तो लखनऊ के एक एक गली में मुझे पैदल घूमने का खूब एक अनुभव हासिल है। राय उमानाथ बली से लेके रविंद्रालय से लेके गोमती नगर से लेके विधानसभा मार्ग से लेके शहीद पथ से लेके सीधे इमामबाड़ा भूल भुलैया तक कहीं भी जाएं, अगर न्यू यूनिवर्सिटी, हमने 40 दिन लखनऊ में खुद फिल्म भी बनाई है, मैं मेरी पत्नी और वो तो, और पढ़ाई भी की है 92, 93, 94 में, तो लखनऊ से बहुत खट्टी मीठी यादें हैं। लखनऊ की अपनी खसूसियत है, लखनऊ की अपनी शाम है, तो लखनऊ का नाम आते ही 100% अंदर एक बहुत अच्छा भाव आता है कि जिस शहर ने हमें शाम से शाम कहना सिखाया उस शहर का नाम लखनऊ है। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। बात कर लेते हैं यार, मैं चले फोटो निकाल लिया, मजा नहीं आया।
सर भाई आइए बटन हट देते दे दे सर भाई एक सेकंड मैं क्या बोल रहा हूं अगर टाइम है 5 मिनट का छोड़ो हम लोग बात करते हैं यही बात हां बात कर लेते हैं मेरा भी ले आइए लो यार देखिए किलो किलो अरे बेटा हटोगे भी इससे एक सेकंड ना जरा लाओ आओ जरा मैडम बुला कर भैया 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 चल खड़ा 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 ले ले बच्चे अबे चल हाँ चल खड़ा चल खड़ा चलो चल ऐसे एक पढ़ सामने अबे तेरा मोबाइल भी गया भैया एक बड़ा बच्चे बेचारे दिल लग रहे मेरा इवेंट चल रहा है मैं कॉल करती हूँ इवेंट चल एक बार सबका एक साथ आ जाएगा चलो सामने देखो ईसाई अंदर आ बंडा बंडा शहजापुर अंदर आ ये सब इधर भाई अभी बात कर लेना ठीक है अरे अभी कर लेते भाई चलो आप एक मिनट एक मिनट अच्छा इधर भाई अच्छा चलो चलो आ जा 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 नहीं मैं खड़ा हो जाओ हटो सब हटो सब हटो सब हटो सब हटो सब अरे सामने चढ़ जाओ भैया अच्छा भैया आप मुझे एक मिनट दे दो भाई आ जाओ मैडम 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 आ जाओ